तुम दोनों भाई बचना चाहते हो तो बताओ तुम दोनों भाई का नाम क्या है? चलो बाबू, मेरा नाम शीत कुमार है और ये मेरा छोटा भाई बसंत। बसंत बिल्कुल सही बात। बड़े का नाम शीत है, बड़े का नाम शीत, छोटे का नाम बसंत है। बसंत, हमार नाम खैबू चौधरी है। खैबू चौधरी, मार मार के चूतिया कुत्ता में भेजूंगा। तुम्हारा नाम शीत है, इसका नाम बसंत। हाँ जल्द, तुम दोनों भाई बच जाओगे। मैं जंगल में शीत के नाम से सर काटूंगा, बसंत के नाम से पीनार काटूंगा, दोनों का कोहरा कलेजा निकाल के महारानी जी के कक्ष पहुंचा दूंगा। और ध्यान पूर्वक सुन लो मेरी बातों को, दोबारा इस राज इस जंगल में नजर नहीं आना। इस राज इस जंगल से इतना दूर चले जाओ तुम्हारा गंदी हवा इस राज में प्रवेश ना करे। जल्लाद जी, वो मुर्गा काटने वाला क्या है? मुर्गा काटने वाला नहीं है बालक, तो ये मूरी उड़ाने वाला। तू जाएगा मेरे हाथ से लग रहा है। इधर आगे बढ़, आगे बढ़, ये लो पहचान करो ये क्या है। जल्लाद बाबू, क्या है? मैंने इस हथियार को कभी नहीं देखा है जल्लाद। इस हथियार उड़ा दूंगा। क्या बोल रहे हो? तू नहीं सुधरेगा जीवन में। इस हथियार का नाम है जीवन छोड़ी। मैं तुझे इसलिए दे रहा हूँ, इस जंगल से दूसरा जंगल जाओगे। हाँ जल्लाद बाबू, कहीं तुझे संकट मिल गया, इस जीवन छोड़ी से पार कर सकते हो। पकड़ लो मंत्री। जल्लाद जी, मुझे भूख लग गया। इस समय आप दोनों भाई का प्राण छोड़ दिए। चलो इस समय यहाँ से जंगल शीत के नाम से सियार और पसंद के नामों से आपने बिलाड़ का शिकार कर लेंगे, दोनों भाई का प्राण बच जाएंगे। लेकिन आपको भोजन तो चाहिए। भूख लग गया, क्या करूं? क्या करूं? क्या कीजिए ना, यहाँ से जाइए। बच्चा खाते हुए आप जंगल जाइए। सही बोला, जाइए जाइए जाइए। भाई से मंत्री भैया और भाई बसंत। हाँ मंत्री भैया, इस समय जल्लाद के हाथों से दोनों भाई का प्राण बचा चुका हूँ। अब इस समय तो दोनों भाई यहाँ लेट करोगे, जल्लाद फिर से चले जाएंगे। हाँ मंत्री भैया, इससे बढ़िया भाई बसंत अपने भाई का हाथ पकड़ और यहाँ से आगे जाने की प्रयास कर। और हम यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है भैया। हाँ बस देखिए, जो ये अपना है वो अपना नहीं हुआ। एक जल्लाद जी ने आकर हम दोनों भाई को मारने के बजाय आज छोड़ करके वो चला गया। हाँ बस भैया, चलो आज इस मेरी राज को छोड़कर हम दोनों भाई इतना दूर निकल जाएंगे, फिर कभी लौट कर इस राज के तरफ नहीं आएंगे। बसंत भैया, एक बचपन में माँ चली गई, जो पिता बचा था माँ के कारण आज भी वो प्रेम का दुश्मन बन गया हम दोनों भाई का। बसंत हाँ भैया, आज मुझे माँ का बहुत याद आ रहा है भैया। आइए संजय, yeah।
आज हम दोनों भाई चलते चलते अपने राज को छोड़कर बहुत दूर इस जंगल में पहुंच गया हूं भाई। हाँ भैया, इस जंगल का कोई भी रास्ता मालूम नहीं भाई, और मुझे बहुत जोर से भूख भी लग चुका है भैया, और भूख के मारे मैं चल नहीं सकता हूँ। मैं सोचता हूँ क्यों नहीं हम दोनों भाई इसी जगह आराम कर लेते हैं। ठीक है बसंत, आ इसी वृक्ष के नीचे हम दोनों भाई विश्राम करते हैं। जब हम दोनों भाई विश्राम करने के बाद फिर इस जंगल का रास्ता की ओर हम लोग तय करेंगे। ठीक है भैया, आइए आराम कीजिए भैया।